शायद वहां पर प्री क्वालिफिकेशन यही है मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की, कि जो जितना जहर उगल सकेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है वो मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट करने में अभी अपने को सक्षम नहीं मान रहा। ये जीव काटने का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी, 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस है जरा देख लीजिए, उनको सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। हमारे की जान ली, महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी, कौन सी विचारधारा? मालिक वो देखो वो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना। पीएम पर हमला हो रहा है, पीएम ने खुद उसका जवाब दिया, लेकिन ये रवनीत बिट्टू जो बोल रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री करेंगे, वो नेता विपक्ष है, वो नेता विपक्ष ना भी हो, कोई सांसद हो, कोई विपक्षी नेता हो, आतंकी बोल दिया उन्होंने। मनोज जी देखिए, मैंने उनका बयान छोटा सा सुना है और पहली बार सुनने में तो सच में मतलब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऐसे बचती रहती है इस तरह के बयान से। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है वो मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट करने में अभी अपने को सक्षम नहीं मान रहा। शर्म आनी चाहिए आपको। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जब बोल जब बोल रहे थे, उनकी जो बात आप सुनाई दे रहे थे तो थोड़ा सा ना उसमें पहले की कुछ लाइन आते आते कि आतंकवादी तो ये ऐसा उन्होंने कहा, आतंकवादी तो इट मीन्स कि उनको भी किसी ने ऐसा कहा क्या, इस तरह की कुछ बात आ रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का विचार रहता है, संस्कार है कि हमें हम डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कहते, जरूर किसी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका उन्होंने जवाब दिया होगा। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने उनका जवाब इस सवाल पर सुन ही लिया है। पीएम ने कहा है कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मेरे गणेश आरती पर प्रश्न उठाए, इस पर आपका जवाब? जय गणेश आरती पर सवाल नहीं उठाए, ये मीडिया के साथी और बीजेपी के तमाम लोग एक गलत नैरेटिव चला रहे हैं। गणेश पूजा आप खूब करें, खूब बड़ा पंडाल बनाएं आप अपने घर में, हम भी आएंगे और अंजना जी भी आएंगी, किसी ने मना नहीं किया है, आप सबको बुलाएं, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से फोटोशूट होकर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले और तमाम चीजें हुई हैं और जिस तरह से आज उसको एक राजनीतिक मुद्दा धर्म के आधार पर बनाया गया है, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इससे तमाम शंकाएं पैदा होती हैं, गलत संदेश जाता है, सबने इसी की बात की है। किसी ने पूजा का विरोध किया हो, गणेश पूजा का विरोध किया हो, आरती का विरोध किया हो, किसी ने नहीं किया है। अब बात आती है मोदी जी को, शायद इतिहास की तो जानकारी रहती ही नहीं है उनको, उन्होंने कहा था वो कांग्रेस पार्टी जो है वो गणेश जी की पूजा से ही विरोध करती है। मोदी जी अगर इतिहास का थोड़ा सा विज्ञान होता तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो गणेश जी के इस पूरे उत्सव को और प्रभात फेरियों को जिस तरह से अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे उसका हथियार बनाया था। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं मोदी जी, शायद इनके किसी टीचर ने बताया नहीं होगा, और कोई बता सके तो जरूर बताइएगा। अब बात आती है दूसरा विषय कि जिस तरह से अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते, तो क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या आप लोग? अरे भाई, आप जो सदन के सांसद हैं और पिछले कई वर्षों से हैं, जहां तक मुझे समझ है तीसरी बार आप सांसद बने हैं, आपने इतनी बड़ी घटना हुई आप ऐसा कह के बच सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंसा फैलाने वाले लोग इसी तरह से बचकर भागते हैं। कंगना रनावत ने पहले राहुल गांधी जी की फोटो तस्वीर आपत्तिजनक बनाई, वो सोशल मीडिया पर चली, उसके बाद एक एमएलए यहां के दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत है ये। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी जब इनके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, जब गृह मंत्री महोदय किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो ये कहां से देंगे बेचारे। अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले ही वहां के एक एमएलए हैं शिंदे गुट के, उन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया। आप देखिए मतलब 11 लाख का इनाम लीडर ऑफ अपोजिशन की जीभ काट कर जो लाएगा उसके लिए 11 लाख का इनाम है और पूरी बीजेपी खामोश है। अब यहां पर बैठकर मनोज जी मुस्कुरा भी रहे हैं, मतलब इसमें कौन सा मुस्कुराने का विषय है? इनके एक केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस से ही गए हैं, जिनको 3 बार राहुल गांधी ने ही सांसद बनाने का वो किया है, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो सबसे बड़े आतंकी हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब बेशर्मी का कौन सा चोला पहनकर ये लोग सत्ता में बैठे हैं। शायद वहां पर प्री क्वालिफिकेशन यही है मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की, कि जो जितना जहर उगल सकेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। 2017 के चुनाव यहाँ के देखे थे मैंने दिल्ली के, एक महिला सांसद थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने रामजादे और हरामजादे का नारा दिया था, उनको मंत्रालय मिल गया था 3 महीने के बाद। गोली मारने वालों को मंत्रालय से मिनिस्टर ऑफ स्टेट से उठकर उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। तो मुझे लगता है प्री क्वालिफिकेशन ही इनकी है। 100 दिन पर क्या बोलेंगे, मोदी जी को खुद नहीं पता। आज एक पत्रकार महोदय ने
आपको भी पता होगा कि पूछा सवाल अमित शाह जी से, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सवाल की दिशा में मत जाइए, मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। प्रतिपक्ष के नेता, देश के गृह मंत्री जब इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि किस तरह से यहाँ पर सबकी रक्षा करनी है, यह आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने जरूर देखा भी होगा इसको, ठीक है, सब पूरा देश देख रहा है, ठीक है। और उनकी आदत है, क्या आदत है उनकी, हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्ट है कि नहीं, अरे छड़ी हटिए, ये कोई सवाल है? आज जब उनसे पूछा गया रवनीत बिट्टू पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़िए, मैं दृढ़ता से इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए, ठीक है। लेकिन लेकिन आरोप लगाते समय, ठीक है, आरोप लगाते समय आरोप एक काउंटर क्वेश्चन बचाव करते हैं, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन, आपने कह दी अपनी बात, एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुस्साए बिना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे, बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे, इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपको, आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने हो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे, हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राय, 7 तारीख को मोदी योगी को गाड़ देंगे। सवाल है इसके आगे, संजय राउत और खड़गे साहब ने कहा तुलना रावण से की, तो मर्यादा तो दोनों तरफ से उसी अंदाज में तोड़ी जा रही है। आलोक जी, ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है, अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए। और जो तमाम बयान है, जिसमें काफी अच्छा होमवर्क आपने किया है, कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था, जब सीबीआई ने जांच कर ली है, तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था, ठीक है। लेकिन आप मनोज जी इसका जवाब दीजिए, इमरान मसूद ने जब वो बयान दिया था बोटी बोटी वाला, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट, अरे आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत की एक बात सुनानी है, उस समय पर, अरे सुनिए ना मैम, बोलिए ना सर, अरे सुनिए ना मैम, वो उस समय पर सपा में थे और सपा में होने के बाद भी उन्होंने 6 बार माफी मांगी, हमने तो केवल ये कहा मनोज जी सांसद बैठे हैं, ये भी माफी मांग लें एक बार कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा है गलत किया है, मैं माफी मांगता हूँ। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि अभी इमरान मसूद उसके बाद, इस बयान के बाद आपकी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट दिया सर, और अभी वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कहा है, एक जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया पहले सुना देते हैं, फिर आ रही मनोज जी, तुरंत आ रही। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी, ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं, ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाए, कहां पर हिंसा भड़काए, और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घूमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पर दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अध्ययन कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बनके खड़े होने का मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ो, राहुल गांधी को तुम्हारी इन तुच्छी हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए आलोक जी, मैंने शुरू में आपने जितनी भी बात कही, मैंने वही जवाब दिया जो हमारे संस्कार है। लेकिन अभी जब हम आलोक जी से ये सारे सवाल जो पूछने वाले थे, अच्छा है कि कुछ तो आपके चैनल पे आ गए, जब ये विवादास्पद बोल बोलने की बात आती है, जितनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोगों ने दिया है, इन्हीं की नेता सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, जिसको देश पूरा संपूर्ण बहुमत से जिता करके प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है,
उनको कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बात बोली ये आलोक जी को पता है। आलोक जी की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस पर बोलने की साहस कर सकें। मैं तो ये कह सकता हूँ यहाँ बैठ करके कि जो भी इस तरह की बात बोलते हैं उसमें हमारे पार्टी में उनसे सवाल जवाब होते हैं। चल झूठा। लेकिन आलोक शर्मा जी जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के अभी नेता प्रवक्ता बोल रही थी, इनका भाषा सुन लीजिए। क्या इस भाषा में हम और आलोक शर्मा जी बात कर सकते हैं? क्या इस भाषा में राजनीतिक लोग बात करेंगे? ये जो हम संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए लोगों को बेल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है। वो लगातार झूठ बोलते हैं, वो लगातार अपनी ही बातों को ऐसा यूटर्न मारते हैं जिससे हम सब बैठे बैठे सदन में हंसी गूंजती है। क्या राहुल गांधी जी के सारी बातों को, जैसे वही बात एक है कि डंडे मारेंगे लोग, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला? आलोक जी इस पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना संस्कार है। हम इसलिए हमने शुरू में बोला कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है उसको हम पूरा सुने नहीं है, हमने डायलॉग सुना है, हम उससे अलग नहीं है। और बाकी जिन लोगों ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों से सवाल जवाब करती है, ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाती है, क्योंकि हमारा चरित्र अलग है। सांसद जी, ये तरविंदर सिंह साहब जिन्होंने राहुल गांधी जी के लिए ऐसा बोला, ये संजय गायकवाड़ जो कि शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं जिन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया, या फिर रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया, इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। रही दूसरे दो लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। नहीं, ये बात अगर सांसदों को नहीं पता, देश के गृह मंत्री को नहीं पता कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है? देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं, इनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या आप? नहीं नहीं, आप एक प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, कोई बात नहीं, तीन बार रिपीट कर दिया उसका उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए, ठीक है? मनोज जी शांति से सुनिए, मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, मैं फौरन आ रही हूं, पूरा कर ले, आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर अपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे? और सच्चाई यह है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कॉन्टेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, ये जीव काटने का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? आपने अपने जो दो लोग हैं उनको तो बचाने का प्रयास किया, मतलब एक यहाँ पर एक बददिमाग व्यक्ति एआईसीसी के बाहर आकर, एक मिनट रुकिए जरा शांति से, आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है, 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस है जरा देख लीजिए, उनको सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने, पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें कुछ कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है, तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी दो चार बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। दुर्भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की, शर्म नहीं आ रही है लोगों को? इस तरह के बयान को भी कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं हम, डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे की जान ली, महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा, डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहां का मुहावरा पड़ेंगे? अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, आप आलोक जी अब हमारी बात सुनिए जरा, एक बात सुनिए, डंडे पड़ेंगे, एक डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। मनोज तिवारी जी, लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी,
आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह की आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बैठक, चुप रहिए। आपको मैंने हजार बार कहा है, आवाज ऊंची कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर प्लीज। बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा। बहुत हो गया। ए, बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। दोनों तरफ के सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाए, और वो नहीं करेंगे, पूछेंगे आपसे सवाल। इस पेशे को गिरी कहते हैं। आलोक शर्मा जी, जब आप बात करें तो आप याद रखिए कि एक बात के साथ कई बातें निकलती हैं। मनोज जी, आतंकवादी कहने का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकी कहना कैसे सही हो सकता है? आप भी कहिए माफी मांगिए। नहीं, आप सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि आतंकवादी कहना मुहावरा नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, इस पूरी लाइन को हम अभी सुने नहीं है। मैं सुन करके आपको बताऊंगा। अब तो सर बोल दे के। कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल युद्ध भी विदेशों में जाकर के लड़ते हैं, अगर यही परिपाटी है कांग्रेस की, यही राजनीति है, तो हम तो ऐसी राजनीति, हम तो जयप्रकाश नारायण जी की धरती से आते हैं, हमने ऐसी राजनीति तो नहीं देखी। हमने बहुत सारे लोगों को देश के लिए मर मिटते देखा, लेकिन हमने कभी विदेश की धरती पर जाकर के देश के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात हमने करते नहीं देखा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत टुकड़े करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेट्रो में लेके घूम रहे हैं। ये सारी चीजें जब देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। और इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या बात करते हैं अंजना जी, आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा 2014 और उन्होंने माफी मांगी, चार माफी मांगी। 2014 में हमारी पार्टी में नहीं रहे होंगे। आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। आप विदेश की भूमि पर आ जाते हैं, हम कंफर्म है, आप देखिए सर। ये मोदी जी मैं भी देख लूंगा, आप चिंता ना करें। ये मोदी जी के वक्तव्य है, इनको भी चलवा दीजिए विदेश की भूमि पर। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। अंजना जी, कोई पाप करके आए थे आप? जो आपका 2014 से पहले जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ, क्या हम पाप करके आए थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाएंगे, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारी सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, अंजना जी, इतने बयान हैं मोदी जी के कि जो जिन्होंने विदेश में जाकर पूरे देश को बदनाम किया। सरकार की बात करना, सरकार की गलत नीतियों को उठाना बीजेपी या आरएसएस देश नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के बयानों में जब पर्दा डाला जाता है, देश के गृह मंत्री एक अपने सहयोगी मंत्री की बात को कहते हैं, एक पत्रकार को डांटते हैं कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैं दृढ़ता से कहता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं। और यही लोग, ये भाषा रवनीत बिट्टू की या इन लोगों की नहीं है, ये भाषा और संरक्षण पूरा का पूरा बीजेपी के संस्कार है, मोदी जी की भाषा है, ये आरएसएस की भाषा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने नारे लगाए, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या वो एडिटेड स्क्रिप्ट तो नहीं थी? क्या उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक दिन में पहली डेट पर हाईकोर्ट से किस तरह से जमानत मिल गई? क्या दिल्ली पुलिस आपकी इतनी निकम्मी पुलिस है? क्या आलोक वर्मा को, जो आप संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, रात को जाकर 2 बजे दिल्ली पुलिस ने उनके कार्यालय को घेर लिया, क्या सीबीआई के डायरेक्टर को आज भी पेंशन मिलती है कि नहीं? सांसद जी आप जरूर बताइएगा। 4 दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी पढ़ लीजिए कि सीबीआई को पिंजरे के अंदर तोते से बाहर आना होगा, ये 4 दिन पहले की टिप्पणी है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजें की है वो भी पूरे देश ने देखी है। कारण क्या है कि आपने सब संस्थाओं के ऊपर अपना एक आधिपत्य जमा लिया है, क्या ये सच नहीं है? मैं समझता हूं कि तमाम लोग जानते हैं कि जिस देश के अंदर ईडी को हथियार बनाया गया, उस ईडी के डायरेक्टर को सीबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4-5 साल से अनैतिक इलीगल तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसी ईडी के डर से आपने पूरी सरकारें तोड़ दी। आप उसके बाद भी कहते हैं
क्या आपकी बातों का आज यहां पर ये जो आज तक चैनल है ये विदेश की धरती पर नहीं देखा जाता, 150 देशों में देखा जाता है। और मोदी जी जो झूठ बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से लेकर और हिंदू मुसलमान करते हैं वो भी पूरा देश, क्या पूरा मनोज जी इसका जवाब देंगे। लेकिन अब इमरान मसूद पर फिर से आपसे प्रश्न कर रही हूं। 14, 19 और 24 तीन बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया। आलोक जी देखिए अंजना जी मेरे पास तारीख नहीं है लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है और मैं आपको बता रही हूं कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट भी बता दीजिए, निकाल दीजिए आज तक पर बताइए उसको। नहीं कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे, कांग्रेस आराम से डांटिए, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए, बता रहे हैं आप। नहीं आप डांटने का काम तो आपका, आप ही चिल्ला रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि तीन बार से वो लगातार है। सबको नहीं नहीं सबको आप मैं फिर कहूंगा वो चार बार से हूँ जिस दिन बयान आया है। हम आपको ज्वाइनिंग डेट भी बता रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। सर्दी का समय था, सर्दी का समय था 2012 का, 2012 आवाज नीचे। आप हम सवाल कर रहे हैं तो आप कहीं और जा रहे हैं, आप टेप सुना रहे हैं, उस टेप की क्या प्रामाणिकता है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो संसद के फ्लोर पे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। आप भी एक हिंदू है ना लोग भाई, आप हिंसक हैं? उत्तर दूं? मैं उत्तर दे देता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। और मैं सनातनी और पूजा करने वाला हिंदू, लेकिन मनोज जी दिक्कत यह है कि संसद के पटल पर कहा गया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये है। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो सनातनी हो ही नहीं सकते। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। और मैं कहूंगा आज तक से कि राहुल गांधी ने कहा हो कि हिंदू हिंसक होते हैं तो अभी चलाएं, मैं चुप बैठूंगा। मैं सही हूं या मनोज जी सही है अभी बताएं, चलाइए उस स्टेटमेंट को। अब्बा नहीं मानेंगे मनोज जी। अब मैं तो अभी तो मैं मोबाइल लेके नहीं बैठा हूँ कि चला दूं, लेकिन आप तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है? अभी पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है? सब कुछ है लेकिन अंजना, राहुल जी ने ऐसा बोला तो गलत है, आप ये मानते हैं ना? चलिए राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या बोला था इस मुद्दे पर, अगर हम लोग वो बाइट निकाल के चला सके, क्योंकि अब ड्यूरेशन कम है तो उस बाइक को जरा जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्काइव में जरूर संसद का पड़ा होगा। लेकिन आलोक जी इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप जितना इन्फॉर्मेशन उन पर गुफ अप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी ही पार्टी में थे। 29 मार्च 2014 को उन्हें अरेस्ट किया गया था जब उन्होंने, एक तो चिल्लाना बंद कीजिए, आप बताइए ना आपकी पार्टी कब ज्वाइन की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नेट पर नहीं मिल रही है। लेकिन 14, 19, 24 तीनों बार आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था, और ये 29 मार्च का उनका बयान है जिसके बाद उन्हें हेट स्पीच के लिए अरेस्ट भी किया गया था। अब कैसी बात कर रहे हैं सर, चिल्लाने से थोड़ा ना सही हो जाएंगे। फिर कहूंगा मेरे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि सपा ज्वाइन की हुई थी, सपा से वो कैंडिडेट बने थे, और ये 2012 का चुनाव था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एक स्टेटमेंट पर इतना अटके हुए हैं, बिट्टू की स्टेटमेंट पर आपने इतना रिसर्च नहीं किया अंजना जी। बिट्टू की स्टेटमेंट हमने लाइव सुना दी, लेकिन आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट पर सवाल पूछते ही हम पर सवाल उठाने लगे। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, जो कि हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखिए रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, चिल्लाइए मत, रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई हमने, गायकवाड़ साहब जो संजय विधायक है शिंदे गुट के उनकी भी बाइट सुनाई, पूर्व विधायक तरविंदर सिंह की भी बाइट सुनाई। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, कुल मिलाकर अब तस्वीर ये है कि 100 दिन के कामकाज पर आते हैं, किसके नेता का अपमान हुआ, सम्मान हुआ। ये बीजेपी सरकार का आज ये भी कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पीएम इंटर्नशिप स्कीम से लेकर कई सारी योजनाओं के तहत रोजगार के मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री ने हमें जवाब दिया। कई मुद्दों पर चर्चा होते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि हमारी विदेश नीति में जो पहले रीढ़ की हड्डी नहीं थी वो रीढ़ की हड्डी आप दिखाई देती है। पहला जवाब इस पर आलोक जी आपका। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहले तो रोजगार की ही बात कर लेते हैं, पीएम इंटर्नशिप की योजना की जो बात कर रहे हैं अंजना जी, हम उस दिन आपके साथ ही थे 15 अगस्त को भी और उससे पहले भी, जिस समय पर इकोनॉमिक सर्वे आया तो कहा गया कि 500 कंपनियां आइडेंटिफाई होंगी। मैं हाथ करके बता रहा हूं, 500 कंपनियां आइडेंटिफाई होंगी इंटर्नशिप के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर 6 महीने चला गया है ऑलमोस्ट, ये फाइनेंशियल ईयर के 5-6 महीने जाने के बाद भी आप बताइए क्या वो 500 कंपनियां आइडेंटिफाई हो गई? अगर हो गई हो तो उनका दो का नाम मनोज तिवारी साहब जरूर बताकर जाएं। अरे भाई आपने 500 कंपनियों का शगुफा छोड़ा, 500 कंपनियां आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, फिर इंटर्नशिप की बात करते हैं, विदेश नीति की जल्दी से जवाब दीजिए। पूरे चारों तरफ से चाइना ने आपको घेर कर फेंक दिया,
आप बांग्लादेश में सरकार पलट गई, वहां पर चाइना और पाकिस्तान ने ऑपरेशन कर दिया और आप सोचते रहेगा यहां पर हिंदू मुसलमान काटना पड़ेगा मनोज जी। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? नौकरी के नाम पे बागीरी कर रहे हो तुम। गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। If you look at this from your side, आपका लेफ्ट हैंड आपको B के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको D के जैसे दिखेगा। B and D. B को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।